दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे बिजली बिल की समस्या हो, चाहे मीटर रीडिंग की समस्या हो, चाहे और भी बिल से संबंधित चाहे जितनी भी समस्या हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम आता है बिल से संबंधित या मीटर से संबंधित या किसी भी प्रकार या बिजली से संबंधित, किस तरह से हल किया जा सकता है, वो भी ऑनलाइन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो ये मैंने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, वो प्ले स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले अगर आपको बिल ऑन इशू आता है, अगर बिल से कोई संबंधित इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे इस एप्लीकेशन का नाम है सुविधा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, तो यहाँ पे देखिए बिल इशू आपको यहाँ पे इस नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये नंबर है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरह का नंबर। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर जो है 1912, ये बिजली बिल से संबंधित 1912 जो है ये कस्टमर केयर का ही नंबर है। अगर आपको बिल से संबंधित या मीटर रीडिंग से संबंधित या मीटर में कुछ खराबी हो या प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो इस पे आप शिकायत कर सकते हैं, या बिल से करना है तो यहाँ पे बिल इशू दिया गया, इस पे क्लिक करके आप बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है व्हाट्सएप के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपका ये इसका व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो ये देखिए व्हाट्सएप नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी चाहे मीटर के संबंधित चाहे बिल के संबंधित, एनी प्रॉब्लम ऑफ बिजली बिल, तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, तीसरा ये है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कंज्यूमर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन में, तो डायरेक्ट एक वेब पेज खुलेगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि देखिए यहाँ पे कंपनी, कौन सी कंपनी का बिजली बिल यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप NBPDCL दे सकते हैं या SBPDCL। अगर और भी कोई बिजली बिल की कंपनी, जो भी आप बिजली यूज करते हैं, जिस भी कंपनी का बिजली यूज करते हैं, नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार के लिए मैं ये आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अगर कोई भी बिजली से संबंधित प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं नॉर्थ बिहार का यूज करता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोई सा भी आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करके कौन सा आपका ये प्रमंडल आता है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद शिकायत आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको शिकायत जो भी करना है यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह का। यहाँ पे देखिए अगर बिल इशू आ रहे हैं या अदर इशू आ रहे हैं या मीटर से संबंधित कोई रीडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अदर इशू पे क्लिक कर दिए, और यहाँ पे इस पे आपको जो भी इशू यानी कि एक समरी तरह से लिखना है और डिटेल में लिखना है आपको, ताकि ऐसा लिखना है ताकि अगले जो ये रिपोर्ट पहुँचेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम, जो आप जो भी यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, जो भी अप्लाई करेंगे ये बिजली से संबंधित शिकायत, उनका नाम होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर उनका अनिवार्य होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए उपभोक्ता संख्या यानी कि कंज्यूमर नंबर, यहाँ पे CA नंबर ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो खींच के, जिसका भी अगर आप बिजली से संबंधित शिकायत कर रहे हैं, उसका रसीद का फ़ोटो खींच के आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद समस्या जो आ रहा है वो हल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटस भी है, यहाँ पे देखिए स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो इस तरह से आप अपना जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और विद इन आपको 7 से 15 दिन के अंदर में आपको ये हेल्प मिल जाएगा। जो भी बिजली से संबंधित इशू है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा।